सब्सक्राइब कीजिए कोलकाता क्रिएटिव यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्पलीफायर रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इंद्रनील, देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोलकाता क्रिएटिव। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ इंद्र ऑडियो की तरफ से एक नया एम्पलीफायर बोर्ड 7265 मोनो एम्पलीफायर बोर्ड। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते, आपको इसको रिव्यू टेस्टिंग करके पूरा कंप्लीट दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 7265 मोनो एम्पलीफायर बोर्ड। बोर्ड का क्वालिटी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, पीसीबी क्वालिटी कैसा है। देखिए FR3 बोर्ड में बनाया गया है। पार्ट्स का क्वालिटी देख लीजिए इसे फ्रेंड्स। ये देखिए ओरिजिनल आईसी एसटी कंपनी का यूज़ किया गया, TDA 7265। पावर कैपेसिटर सुपर वे कंपनी का है, देख सकते हो आप। इनपुट का आपको इसमें 12.0.12 पावर इनपुट करना है आपको, ठीक है। 12.0.12 से 15.0.15 तक यूज कर सकते हो, पर 12.0.12 2 एम्पियर, 15.0.15 3 एम्पियर तक ट्रांसफार्मर इसमें यूज़ कर सकते हो। इसका क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, 50 वाट आउटपुट आपको मिल जाएगी। बहुत बंदों की डिमांड थी क्योंकि मैंने इसी बोर्ड का एक ए वर्सन बनाया था, जो मैंने हैंड में पिछले घर में बना के दिखाया था आप लोगों को। बहुत बंदों ने डिमांड किया था कि इसका सेलिंग के लिए लेके आने के लिए, बहुत बंदों ने मेरे को मैसेज किया था, इसके लिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बोर्ड का क्वालिटी देखिए, और एक बार मैं अभी इसको टेस्टिंग करके आपको सुनाऊंगा। यहाँ पे तो मैंने पावर कैपेसिटर को यूज़ किया है, आप देख सकते हो। उसके साथ मैंने और एक दोनों का दो कैपेसिटर यूज़ किया, प्लस में प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज में 1025। तो आईसी का जो लाइन इनपुट हो रहा है उसको फिल्टर करने के लिए, ठीक है। स्पेशली मैंने ये पावर सप्लाई यूज़ किया है इसमें, इसका क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। तो चलिए मैं पूरा टेस्टिंग करके आपको इसका क्वालिटी सुनाता हूँ। तो फिर हमारा बोर्ड का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हमारा स्पीकर आउटपुट, जो हमारे स्पीकर के साथ कनेक्ट है, ये देखिए स्पीकर आउटपुट जा रहा है। ये हमारा पावर इनपुट दे दिया है 12.0.12 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर से। अब इसमें 12.0.12 4 एम्पीयर ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, पर उस टाइम आपको हीट सिंक चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हीट सिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा स्पीकर आउटपुट चला गया, ये हमारा ऑडियो इनपुट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आज में इस बोर्ड में कोई भी कनेक्टर हमने नहीं दिया, क्योंकि लोग कनेक्टर यूज़ तो करते नहीं है, डायरेक्ट सोल्डरिंग करते, इसलिए कनेक्टर हमने हटा दिया। डायरेक्ट बोर्ड में आप सोल्डरिंग करके बोर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं पावर ऑन करता हूँ बोर्ड का। बोर्ड का पावर मैंने ऑन कर दिया। ये हमारा प्ले सॉन्ग बोर्ड ब्लूटूथ वाट से मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है, तो चलिए हम सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो आपके पास हाइस्ट ऐसा साइन हो रहा है, चलिए साउंड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आपके पास साउंड जा रहा होगा फ्रेंड्स, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कितना सच्ची इतना अच्छा साउंड क्वालिटी आ रहा है। तो फिर चलिए मैं सॉन्ग को पॉज करता हूँ यहीं पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7265 मोनो एम्पलीफायर बोर्ड पूरा रिव्यू टेस्टिंग करके दिखाया, जो मैंने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया है। आप लोगों का अगर ये परचेज करना है मेरे थ्रू, तो ऊपर दिए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप व्हाट्सएप मैसेज करके कभी भी ऑर्डर दे सकते हो, कितने क्वांटिटी में चाहिए आपको मिल जाएगी। होलसेल का रेट अलग है और सिंगल पैच का रेट अलग है। आपको फुल पेमेंट गूगल पे फोनपे पे मेरे को करना पड़ेगा, मैं इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास सामान डिलीवरी करवा दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको इसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन करना है व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, और जितना क्वांटिटी में चाहिए मिल जाएगा आपको। बोर्ड का क्वालिटी आप देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो बोर्ड है ये पावर चैनल में 50 वाट आउटपुट देता है,
आप दो पीस यूज़ करके 50+50W 100W का एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड बना सकते हो, या तीन पीस यूज़ करके 50+50+50 2.1 भी बना सकते हो, या छः पीस यूज़ करके 5.1 और 8 पीस यूज़ करके 7.1 भी बना सकते हो, और सिंगल 50W सबवूफर भी आप बना सकते हो इस बोर्ड से। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।